क्या हो सकता है ओम मंत्र का रहस्य? हमें यह तो पता ही है कि ओम मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है, परंतु क्या इसके अतिरिक्त भी ओम मंत्र का कोई गूढ़ रहस्य है? ओम का रहस्य जानने से तुम्हें ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 369 में से 3 नंबर वाली पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप सबसे बड़े खजाने के सभी ताले खोल सकते हैं और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकते हो, और साथ में यह भी जान सकते हो कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्मा क्या है, तुम संसार में क्यों आए हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और अगर तुमने ओम के रहस्य को नहीं जाना तो तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद भी तुम संसार के सबसे गरीब और भीख मंगे व्यक्ति ही रहोगे। और ओम मंत्र का यह रहस्य तुम वेदों और उपनिषदों से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इनका अध्ययन कर सको तो आपको हमारी इस प्रस्तुति को अंत तक एकाग्रचित होकर जरूर देखना चाहिए। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और यह शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। और अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके पीटर रसेल ओम मंत्र पर गहन अध्ययन कर रहे हैं, और उन्होंने E=MC² को ओम=MC² के समकक्ष बताया है, और वो कहते हैं कि यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग पड़ता नजर आता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्चर खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि के बजने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के सिवा कोई ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती थी। रिसर्चर ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है, और जब प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े बड़े खजाने के ताले तोड़े जा सकते हैं, तो यह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में जाता है। वहाँ के आचार्य से कहता है कि आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें सालों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया और बोला कि अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में वह गुप्त मंत्र कहूंगा। सन्यासी नजदीक गया तो आचार्य ने ओम मंत्र दिया। सन्यासी खुश हो गया, वह वहाँ से चला गया और ओम का जाप करने लगा, लेकिन कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। वह जब बाहर निकला तो एक माँ उसके बेटे को बुला रही थी कि ओम बेटे यहाँ आओ। तो सन्यासी चौंक गया क्योंकि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम ही ओम था। जब वह और आगे गया तो कुछ ब्राह्मणों को देखा जो हरि ओम बोल रहे थे। सन्यासी ने कहा, अच्छा, यहाँ भी ओम बोला जा रहा है। सन्यासी रास्ते में और आगे बढ़ा तो कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति ही बोल बोलते हुए सुना। तो सन्यासी कहने लगा, कहीं आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं वाक्य के पीछे ओम बोला जा रहा है। इस ओम मंत्र को तो सभी जानते हैं, तो यह ओम का मंत्र कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? निश्चित ही मेरे साथ धोखा हुआ है। वह अपने आचार्य के पास गया और कहने लगा, आचार्य, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है, इसे तो हर कोई जानता है, तो फिर यह कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले, यह लो सन्यासी, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ। याद रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार में गया और सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, यह तो मेरे बाट के बराबर है, मैं उसके बदले में तुम्हें शेर बैंगन के सिवा कुछ नहीं।
नहीं दे सकता। सन्यासी उस पत्थर को लेकर फिर कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाला बोला, क्या हमें उल्लू समझा है? पत्थर भेजकर हमें ठगना चाहते हो? चलो चलो यहाँ से। सन्यासी पत्थर को लेकर पूरे बाजार में फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसको मुफ्त में भी नहीं लेना चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और बोला, कहाँ से मिला तुम्हें इतना कीमती रत्न? यह तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास तो इतना धन ही नहीं है कि मैं यह रत्न खरीद सकूं, और पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे खरीद सकेगा। सन्यासी उस पत्थर को लेकर अपने आचार्य के पास वापस आया और आचार्य से कहने लगा, आचार्य, जौहरी इसे मूल्यवान बता रहा था और दूसरों के लिए यह एक पत्थर मात्र था। आपको पता था कि यह पत्थर नहीं लेकिन कीमती रत्न है, तो फिर मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार में क्यों भेजा? तो आचार्य कहने लगे, ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई नहीं आंक सकता, केवल पार की आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है, और जो ओम का मूल्य जानते हैं वह समृद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव को ओम का जो अर्थ बताया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में तीन ध्वनियां हैं जिसे मात्रा कहा जाता है, वे है अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि। जब अध्वनि और उध्वनि मिलते हैं तो ध्वनि बनाता है, और जब उध्वनि से म मिल जाता है तो ओम बनता है। ओम की तीन ध्वनियों से ही समस्त विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां बनती है, और गूंगा भी अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि, यह तीन ध्वनियां बोल सकता है। आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले अकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम उच्चारण के अनंतर मुंह बंद करते हो तो मकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम होठों को पास लाकर मुख को आधा खुला और आधा बंद रखते हो तब उकार की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसीलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियां, फिर वह स्वर हो या व्यंजन, ओंकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार ओंकार जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। अध्वनि सर्जन को दर्शाती है, उध्वनि सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है, और मध्वनि इस समग्र संसार के लय को दर्शाती है। ओंकार आत्मा की तीन अवस्थाओं को भी दर्शाता है। पहली स्थिति है जागृत। इस अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव अंतःप्रज्ञ होकर जागृत अवस्था में भोगे हुए भोगों को अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस स्थिति में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त करती है, और इन तीनों अवस्था के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद आत्मा अद्वैत शिव ही शिव रह जाती है। अब उसे जीव, जगत और ब्रह्म के भेद का प्रपंच नहीं रहता, और उसे अनाहत नाद ओम सुनाई देता है। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अनाहत एक अनुभूति है जिसमें आत्मा कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैंने ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है, मैं ही शेर हूँ जो मेरे ही हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ, मैंने ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, और मैं ही मेरे माता पिता के रूप में जन्म ले चुका हूँ। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है, बोलने वाला भी मैं ही हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ। सांप बनकर मैं ही अपने आप को डसने जा रहा हूँ, और मैं ही उससे बचने के लिए दौड़ रहा हूँ। इस ओंकार के रहस्य को जान लेने के बाद सोना, चांदी, रुपए, पैसे सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि यह सब भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरा ही स्थूल रूप है।
मैं तो इतना अमीर हूँ कि यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी, यह तारामंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे जो मेरे ही अंग है। तो मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है, जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है। मैं क्यों इन किलो, सौ किलो सोना, चांदी और रुपए पैसे के पीछे भागूं? और इस खजाने को खोलने के लिए मैंने तीन नंबर की चाबी दी है। ओंकार, जो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मूल नैसर्गिक ध्वनियाँ तीन है, अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि। नैसर्गिक रंग तीन है, लाल, पीला और नीला। प्रकृति के मूल लक्षण तीन है, नाम, रूप और गुण। शरीर की तासीर तीन है, कफ, पित्त और वायु। ब्रह्मांड की स्थितियाँ तीन है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय, और उनके देवता भी तीन है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पदार्थ के मूल तत्व तीन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले आयाम तीन है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और इन तीन नंबर की चाबी को जितना गहराई से अध्ययन करोगे और उसकी गहराई में जाओगे, तुम मुझे ही पाओगे। नहीं नहीं, अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है।